I would like to suggest you please listen carefully, and now topic is you are going to see Devu Samas. Devu Samas, ये आपका इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और विशेषण के रूप में वह प्रयुक्त होता है। पहला पद संख्यावाची हो और किसी मेल का मिक्स का निक्षण का वो बोध कराए वहां पर देव समास होता है। जहां पहला पद संख्यावाची हो और वह निश्चित रूप से किसी मिश्रण का बोध कराए तो वहां पर द्विगु समास माना जाता है। तो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे शब्द है उदाहरण के रूप में चौराहा। चौराहा चार राहों का समूह। चौराहा शब्द बना है विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह। तो यहां समूह शब्द से पहला इसमें चार ये संख्यावाची है और विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, इसलिए यह द्विगु समास का उदाहरण बनता है चौराहा शब्द। दूसरा हम देखेंगे शताब्दी। शताब्दी शब्द दो शब्दों के भेद से बना है, शत और आब्दी। शत माने सौ, ये भी संख्यावाची है और आब्द कहते हैं वर्ष को। तो सौ वर्षों का समूह, सौ वर्षों के समूह को हम शताब्दी कहते हैं। इसका विग्रह बनेगा सौ वर्षों का समूह। अगला उदाहरण देखेंगे सतसई। बच्चों सतसई एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, रीतिकालीन कवि बिहारी की एक मात्र रचना है जिसके आधार पर उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली। सतसई सत संख्यावाची है, सत का अर्थ होता है सात और सही का मतलब सौ, अर्थात सात सौ दोहे का समूह। ये सतसई शब्द का विग्रह बनेगा। अगला है त्रिफला। त्रिफला तीन फलों का समाहार। अब यहां थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि एक तरफ समूह आता है एक तरफ मेल आता है और यहां समाहार शब्द क्यों आया। तो समाहार और मेल या समूह में अंतर क्या है उसको समझने का प्रयास करिए। कैसे, जहां पर कोई चीज देखी जाए गिनी जाए उसका स्वरूप यथावत देखने को मिले और मिलने के बाद भी उसका अस्तित्व समाप्त न हो वहां पर समूह और मेल शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन जहां पर अलग अलग चीज एक में मिल करके एक नया स्वरूप धारण कर लेते हैं उनका पहले का अस्तित्व मिट जाता है वहां समूह और मेल शब्द का इस्तेमाल ना करके हम वहां समाहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब आया तीन त्रिफला अर्थात तीन फलों का समाहार। तीन फल कौन कौन से हैं? उसमें आंवला हेड़ा बहेड़ा ये सारे आयुर्वेद के हैं। तीनों को सुखा करके और इनको हम एक कूट करके चूर्ण बना लेते हैं और चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद इनका अलग अलग अस्तित्व मिट जाता है, वो मात्र एक चूर्ण के रूप में ही प्रदर्शित होते हैं। तो इसीलिए यहां पर हम तीन फलों का मेल या तीन फलों का समूह ऐसा विग्रह न करके तीन फलों का समाहार यही विग्रह करेंगे। आइए अगला देखते हैं चौमासा। चौ माने चार संख्यावाची है और मासा माने महीना, चार महीनों का समूह, अर्थात जो चार महीनों का समूह कुल बारह महीने होते हैं और चार का एक ग्रुप होता है उन चारों के ग्रुप को चौमासा के नाम से हम जानते हैं। तो चार महीने का समूह। अगला आपका है त्रिवेणी। त्रिवेणी इसमें भी त्रि शब्द संख्यावाची है और वेणी का दो अर्थ है। वेणी का अर्थ चोटी से भी है और वेणी का अर्थ धारा से भी है। वेणी का अर्थ धारा से इस मायने में है जैसे प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों की धाराएं आपस में मिलती, तो वहां हम तीन वेणियों का समूह आपस में और इसमें तीन अगर उसको हम चोटी के अर्थ में लेते हैं तो जहां बड़े बड़े भालों की औरतें अलग अलग चोटियों को एक में गूंथ देती हैं तो उसे भी हम त्रिवेणी कह सकते हैं।
निश्चित रूप से ये त्रिवेणी गंगा यमुना और सरस्वती के सम्मिलित रूप का ये दूसरा धाम है। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से लोगों का उद्धार होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से इस कलयुग में छुटकारा पाने का उनका सबसे बड़ा एक संसाधन बन जाता है। तो आपने देखा देव समास में पहला पद संख्यावाची है और दूसरे के साथ मिल करके वह उसका विशेषण के रूप में काम करता है। निश्चित रूप से अब आपको यह थोड़ा मैं अंतर बता दूं कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, दोनों मिलते जुलते हैं। हमने आपको यह बताया कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आइए दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, शब्द है दशानन, यानी देते हैं दशानन। ये शब्द इसका भी पहला पद संख्यावाची है दस और आनंद का मतलब मुख। तो विग्रह अलग बनेगा, दस है आनंद जिसके, अर्थात तीसरा पद प्रधान होगा, बहुव्रीहि समास बनेगा जो रावण का बोध कराएगा। तो यूं समझिए जब पहला पद संख्यावाची हो और वो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए तब वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, और जब पहला पद संख्यावाची हो वह किसी समूह का मेघ का बोध कराए तब वहां पर द्विगु समास होता है। प्रायः लोग इसमें पहला पद संख्यावाची होता है यही मान करके वो द्विगु समास का निर्णय ले लेते हैं और इसी उहापोह में निश्चित रूप से वे गलत कर जाते हैं। दशानन में भी द्विगु समास मान लेते हैं क्योंकि उसका पहला पद भी संख्यावाची। तो बच्चों आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि द्विगु समास वहां होता है जहां पहला पद संख्यावाची हो और विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, वो किसी मेल का, मिक्सर का और समाहार का बोध कराए तो वहां पर हम द्विगु मानेंगे। अन्यथा अगर संख्यावाची होने के बाद वह किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराता है, जैसे आपका दशानन, पंचानन, षडानन, तमाम ऐसे शब्द वहां पर संख्यावाची है लेकिन व्यक्ति का बोध कराने के कारण वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। हाँ बच्चों, अब जिसमें उत्तर प्रधान होता है ऐसा ही एक उसका समास का भेद है मध्यम पद लोपी। नाम से ही क्लियर है कि मध्यम माने बीच के पदों का जिसमें लोप हो जाता है। आइए इस परिभाषा को हम उदाहरणों के कसौटी पर कस कर देखेंगे कि वास्तव में मध्यम पद का लोप किस रूप में और कहां पर होता है। पहला आपका उदाहरण हम देखेंगे, समस्त पद बनेगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी तो रेल माने पटरी पर चलने वाली गाड़ी। प्रायः लोग कम ज्ञान के या बोलचाल की भाषा में हमेशा कहते हैं कि रेलगाड़ी आ गई, का नाम ही पड़ा रेलगाड़ी। ट्रेन अंग्रेजी का शब्द बिल्कुल सही है लेकिन रेल माने पटरी पर चलने वाली गाड़ी ही ट्रेन कहलाती है। और लौ पथ गामिनी, इतना बड़ा शब्द कौन इस्तेमाल करे, तो इसलिए इसके लिए बनेगा रेलगाड़ी। विग्रह करेंगे हम रेल माने पटरी पर चलने वाली गाड़ी। अब इसके बीच के आप देखा नलाइन दिया हुआ है, हमने रेल अंग्रेजी का शब्द है और पटरी पर चलने वाली गाड़ी, यहां से रेल ले गया और लास्ट शब्द है गाड़ी, तो बीच के पदों का लोप हो गया और आपका समस्त पद बन गया रेलगाड़ी। और अभी भी जान लीजिए रेलगाड़ी कैसा शब्द है, जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसमें यह जो है ये शंकर में आता है और शंकर भगवान शंकर वाला नहीं, ये शंकर मक्का वाला, जहां दो भाषाओं के अलग अलग शब्द मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं। रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है, दोनों मिला करके हमने बना दिया रेलगाड़ी। इसी तरह और भी शब्द हैं जैसे ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन अंग्रेजी का, कक्ष संस्कृत का। तो इस तरह से
हम या बड़े बड़े बैंकों के आसपास वहां भी आप देखेंगे कि जहां वो धन का लेन देन होता है वहां भी ऑपरेशन कक्ष या रेलगाड़ी या वहां पर मनी वितरण ऐसा भी लिखा रहता है। तो उसी तरह का ये शब्द है संकर वर्ण शब्दों के भेद में जब आप पढ़ाएंगे हम तो उसमें इसको और क्लियर करेंगे आपको। दूसरा शब्द आपका बनता है पंचक्की, इसका विग्रह बनेगा पानी से चलने वाली चक्की। यहां भी हमने पानी ले लिया और यहां से चक्की ले लिया, बीच के सारे जो पद है उनका लोप हो गया। यही कारण है कि अभी मध्यम पद लोपी बीच के पदों का लोप हो जाता है। अगला है डाक गाड़ी, डाक ले जाने वाली चिट्ठी ले जाने वाली जो गाड़ी है डाक गाड़ी के नाम से हमने डाक दिया और यहां से गाड़ी, समस्त शब्द हमारा बन गया डाक गाड़ी। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि समास में मध्यम पद लोपी जो भी इसके समस्त पद उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं वे प्रायोगिक भाषा में बहुतायत रूप में प्रयोग किए जाते हैं और बड़े धड़ल्ले से लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। हम चाहेंगे कि आप इन शब्दों की महत्ता समझें और उनको अच्छी तरह समझकर प्रयोग में लाएं, आपसे हमारी यही अपेक्षाएं मेरी। हाँ बच्चों अब हम समास के अंतिम भाग की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और यह है न तत्पुरुष। तत्पुरुष का अंतिम भाग उत्तर पद प्रधान इसमें है और विग्रह करते समय इसमें सिर्फ नाम वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समस्त पद में लेते हैं असंभव, असंभव शब्द का न संभव ये इसका विग्रह बन जाता है। सबसे आसान है द्वंद्व समास की तरह, सबसे आसान है कि न संभव वही असंभव। फिर और ऐसे संभव संभव की जहां तक बात है बच्चों मैं इतना बता दूं कि दुनिया में जिन लोगों ने कुछ कर गुजरने का करने का अपना दृढ़ निश्चय कर लिया उनके लिए कोई असंभव चीज नहीं होती, सब कुछ संभव है। बस उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। आइए दूसरा उदाहरण अजय, अजय शब्द का विग्रह हम करेंगे ना जय अजय। सबसे आसान है केवल ना वर्ण का इस्तेमाल उस मुख्य पद के पहले करेंगे तो अजय शब्द बनेगा। अपर्णा ये मां दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है और ये हम किसी टहनी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे न पढ़ना अपर्णा, पढ़ का अर्थ होता है पत्ता, ऐसी टहनी जिसमें पत्ता ना हो। और दूसरी तरफ मां दुर्गा का पर्यायवाची है और उस शब्द का आपका विग्रह बनेगा न पढ़ना अपर्णा। इसी तरह शब्द है अस्थिर, अस्थिर से तात्पर्य होता है जो स्थिर ना हो, तो इसका विग्रह हम करेंगे ना स्थिर। तो आपने देखा कितना आसान है कि विग्रह करते समय सिर्फ ना जोड़ दीजिए। जिस तरह द्वंद्व समास में आपने देखा था केवल दोनों पदों के बीच में और का इस्तेमाल किया जाता है विग्रह करते समय, जैसे सुख और दुख, और हटा दिया समस्त पद बन गया सुख दुख। बच्चों समास का ये पूरा विवरण आपके सामने तीन पार्टों में रखा गया, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको गंभीरता से पढ़ेंगे, पढ़ के चिंतन और मनन करेंगे। निश्चित रूप से आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी से संबंधित जनरल हिंदी से संबंधित जो इस तरह के सवाल आएंगे तो आसानी से आप उनका उत्तर निकाल सकेंगे, उनका सॉल्यूशन उनका हल निकाल सकेंगे। निश्चित रूप से आप एक सफल प्रतियोगी के रूप में उन परीक्षाओं को पास करके अपने दमखम का परिचय देंगे।
उम्मीद है कि आपको ये समास का तीन पार्ट में दिया गया जो आपका यह विवरण है आप उसे पसंद करेंगे और पढ़ करके उसकी जानकारी से संबंधित होंगे।